नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। सोशल स्टडीज पेपर की 100% करेक्ट आंसर की यहाँ पर देखेंगे और इसमें सारे आंसर आप मैच कर सकते हैं और ऑफिशियल आंसर की से भी कर लेंगे और इसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। बहुत समय लेके इसको बनाया है एकदम प्रूफ के साथ कि क्या इसका सही आंसर होगा। जैसे सबसे पहले दीवाने अमीर को ही ये विभाग किसने एस्टैब्लिश किया था किसानों की मदद के लिए? दीवाने अमीर को ही तक्कावी ऋण देने की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है कि अशोका के कौन से इंस्क्रिप्शन में आपका अटावी जाति इसके बारे में मेंशन है? अटवी जाति, अटावी, ये जो है 13वें आपके रॉक एडिक्ट में देखने को मिलेगा। 13वें पिलर एडिक्ट में जब अशोका की टेरिटरीज के बारे में और उसके एडजेसेंट जो टेरिटरीज उनके बारे में बात की जा रही है तो अटवी जाति को जो है फॉरेस्ट ट्राइब्स बताया गया है जो कि आपकी झारखंड सिंहभूम के इलाके के आसपास निवास करती हैं, उनको अटवी कहा गया था, ठीक है। तो मतलब अगर अटवी नहीं भी जान रहे हैं आप तो मतलब ये थोड़ा दिक्कत है, ये जनरली नहीं दिया है, थोड़ा टफ क्वेश्चन था हिस्ट्री का। सारे क्वेश्चन ईजी नहीं है, काफी क्वेश्चन ईजी भी हैं इस पेपर के, करीब 20 क्वेश्चन काफी टफ हैं और काफी यूजफुल हैं आगे के सभी आरओ एग्जाम्स के लिए। इवन अगर आप यूपीपीएससी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने वाला कौन था? रास बिहारी बोस, ठीक, रास बिहारी बोस थे, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहकर मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था कांग्रेस का मजाक एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहकर। फिर इसके बाद यूपीपीएससी 2018 का एक क्वेश्चन कॉपी कर दिया इन लोगों ने। दो अश्वमेध यज्ञ जो किए गए थे, अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र सिंह के द्वारा, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है आपकी अयोध्या इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। उसके बाद है कि कौन से ग्रंथ में बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विविध पक्षों को उद्घाटित किया गया? रामचरित्र में, रामपाल के बारे में इसमें बताया गया है, ऑप्शन नंबर 4 एक्जैक्टली करेक्ट है यहाँ पर। फिर उसके बाद सुक्का गेंडर को एक्सकवेट किसने किया था? ऑरल स्टीन ने किया था। खैरा डी ही जो है ये आपका सरयू नदी के किनारे मिलता है आपको। फिर उसके बाद अपने शासनकाल के किस वर्ष में खारवेल ने तनसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी में ले आया था? तो 5th रेगनल ईयर में, 5वें शासकीय वर्ष में, ठीक है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के अलावा किस मुगल शासक का उल्लेख मिलता है? जहांगीर का, ठीक, हालांकि इसको अकबर लाया था, ठीक है। उसके बाद नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, विंड टर्बाइन जब आपका रिन्यूएबल सोर्स है तो एयर पोल्यूशन नहीं करेगा, सिंपल। कॉटन सॉइल के कल्टीवेशन के लिए रीगर या फिर ब्लैक सॉइल जो है सुटेबल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है? तो गुजरात में कांडला पोर्ट देखने को मिलता है, बाकी सब गलत मिलाए गए हैं, ठीक है। तमिलनाडु में मैंगलोर नहीं और कर्नाटक में तूतीकोरिन नहीं, महाराष्ट्र में पारादीप नहीं, सब गलत है, खाली गुजरात कांडला सही है। फिर उसके बाद बालाघाट, भंडारा और नागपुर रीजन में कौन सा आपको अयस्क देखने को मिलेगा? भंडारा, नागपुर अगर हम देखें तो वैसे तो इसमें हिमटाइट भी मिलता है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंगनीज यहाँ पे सही होगा क्योंकि बालाघाट एक्सक्लूसिवली मैंगनीज के लिए सही है, तो इसका आंसर एक्जैक्टली करेक्ट होगा मैंगनीज। उसके बाद कौन सा जो है प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है? तो प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये हम डिस्कस करते रहते हैं। ये हमने पिक बना के दी थी अपने पेट्रोल मेंबर को, उन्होंने क्वेरी पूछी थी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आता है हमको बताया जाए, तो हमने उनको पिक बना के डिस्कशन रूप में भेजी हुई है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट आपका आ जाता है सेकेंडरी में, ठीक, ट्रांसपोर्ट एक्चुअली जो है टर्सरी में आएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। उसके बाद पश्चिम बंगाल में मानसून प्रस्फोट को क्या कहा जाता है? देखिए वैसे तो इसको काल बैसाखी होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, तो साइक्लोन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, साइक्लोन। अब हमको कमेंट करके बताइए कि ब्लॉसम शावर्स जो है वो आपको भारत के किस रीजन में देखने को मिलते हैं? उसके बाद स्टेट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है लार्ज स्केल में कहाँ पर पाए जाएंगे? तो वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन है तो वहीं पर पाए जाएंगे। उसके बाद बिहू डांस जो है पॉपुलर कहाँ पर है? असम में है। फिर उसके बाद है कि मार्जिनल सी अटलांटिक ओशन की कौन सी नहीं है? तो ब्लैक सी को छोड़कर बाकी सारी हैं, ब्लैक सी नहीं है। उसके बाद प्लेनेटरी विंड कौन कौन सी होती है? पोलर विंड, ट्रेड विंड, इक्वेटोरियल, वेस्टर्ली, सभी होती हैं, ऑल ऑफ दीज सही है, ठीक है। 2, ये पुराना करंट अफेयर पूछा है कि निपाह वायरस कहाँ पर आया था? तो केरल में, ठीक है, निपाह फिल्म भी बन चुकी है। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को दंडनीय बताया गया है और अस्पृश्यता का अंत करने की बात कही गई है आर्टिकल 17 में, भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करने के लिए कौन सा एक वैलिड ग्राउंड नहीं है? नॉट यहाँ पर पढ़ना चाहिए, हाईलाइटेड लिखा रहता है। तो पब्लिक ऑर्डर है, मोरलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, फ्रेंडली रिलेशन है, पब्लिक हेल्थ नहीं है कोई ग्राउंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2, ठीक, लोक स्वास्थ्य। फिर उसके बाद कौन सा प्रोविजन हमने जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है? तो रेजिडिवरी पावर का आइडिया जो है ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटेन से नहीं लिया है। इसमें करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, ठीक है, तो 31 है इसमें आपकी उत्तर प्रदेश में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये आप इग्नोर करेंगे। पंजाब यहाँ पे सही है, पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें, 13 लोकसभा सीटें, पंजाब हमारा सही आंसर है और यही जो है आपकी आंसर की में माना जाएगा। यूपीएससी के चेयरपर्सन को रिमूव करने वाला अभी जो है स्टाफ नर्स के पेपर में भी आया था, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले जो है हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है समन्वय प्राप्त करके, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर, ठीक, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आप देखेंगे उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें, उनकी नियुक्ति को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, पॉलिटी लिस्टिंग का पापा वीडियो जिन लोगों ने देखा है बहुत मौज आ गई होगी अगर थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो सबसे पहले आपके बी डी जत्ती आएंगे, फिर वेंकट रमन आएंगे, फिर आपके के आर नारायणन आएंगे और कृष्णकांत आएंगे, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2, ठीक।
इनमें से जो कौन प्रेसिडेंट हैं कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, तो ऊपर आपको काफी हेल्प मिल जाती है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, और नीलम संजीव रेड्डी जो है एकमात्र प्रेसिडेंट जो आपके निर्विरोध जो है नियुक्त हुए थे, चुने गए थे, ये याद रखना है आपको आगे के लिए। दादर नगर हवेली जो है इसका जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास है, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। तो ग्रांट सीनेट की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो ग्रांट सीनेट की बात कही गई है आर्टिकल 275 में। आप कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 265 में क्या कहा गया है और 280 में क्या कहा गया है, ये भी काफी जरूरी है, आगे पूछे जा सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रिसाइड की बात हो रही है, तो प्रिसाइड ओवर करता है लोकसभा का स्पीकर, और अगर कहें आहूत कौन करता है तो प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है, आर्टिकल 169 के तहत प्रस्ताव पारित कर दिया अभी पश्चिम बंगाल ने, हमने करंट अफेयर में कराया था, आर्टिकल भी आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल में जल्द ही आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिल सकती है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में जो है 1 मार्च 2021 तक कितने मेंबर थे, 193, अभी भी 193 ही है। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा पोखरण राजस्थान में कब किया था, 1974 में, ठीक, ये सब बताया आपको पॉलिटी कंपाइलेशन वीडियो में। उसके बाद 17th लोकसभा के तो ओम बिड़ला है, ये न्यूज़ में आता ही रहता है। ब्रॉड मनी की डेफिनेशन पूछी, तो ब्रॉड मनी है M3=M1+ टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होता है, जब लोग मरेंगे नहीं पैदा होते जाएंगे, हाई बर्थ रेट एज वेल एज लो डेथ रेट एज वेल एज जो है मतलब हम लोग कह सकते हैं एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी, ये सब, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लगातार 2 साल से UPBEB पूछ रहा था और कॉपी कर ही लिया फाइनली इन लोगों ने। HDI में जो है बर्थ रेट कोई जो है मायने नहीं रखती है, 3 चीज़ें होती हैं मेनली, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक। तो यहाँ पर बर्थ रेट गलत है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है, और जैसा कि हमने आपको पहले ही क्विज वाले ग्रुप में बता दिया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में, मैंने आपको बताया था पुरानी रैंक भी पूछ सकते हैं, तो 2019 भारत का स्थान 129वां है, 2018 में 130वां था और 2020 में 131वां है, थोड़ा अंतर है लेकिन जब बात पहले ही आपको बता दी गई थी एग्जाम से पहले ही, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 129, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट ही कितना होता है, ऑब्वियसली ये नेशनल इनकम के बराबर है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट ही तो होता है ना आपका नेशनल इनकम। इसके बाद आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में लेटर मुगल्स पर विचार करना है, इनको कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है, 2018 UPBEB का कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले जहानदार शाह आएगा, फिर आपका मोहम्मद शाह रंगीला आएगा फोर्थ ऑप्शन में, फिर उसके बाद अहमद शाह आएगा, फिर आखिर में आएगा आपका आलमगीर द्वितीय, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 3, 4, 2, 1। फिर आप देखेंगे खानवा का युद्ध जो है ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, तो ये वाला जो सही नहीं मिलाया गया। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये दोनों गलत हो गए। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, राजपूतों ने लिखा है, सही है। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही सुमिलित कौन से हैं, थर्ड और फोर्थ ओनली, ये दोनों सही सुमिलित हैं, ये दोनों गलत हैं, ठीक। हर्षा अपना सारा जो है सामान दान में दे देता था प्रयाग की सभा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 प्रयाग की सभा में। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक वत्सराज वैसे माने जाते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में ना हो तो नागभट्ट लिखना चाहिए, हमने अपने PDFs में लिख रखा है क्लियर, नागभट्ट प्रथम जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक माने जाते हैं, अगर ये ना दिए हो तो वत्सराज दिया हो तो उसको सही मानिएगा। प्रबंध कोश के हैं आपके राजशेखर, मेरुतुंग आप जिन्होंने लगाया उनका गलत है, मेरुतुंग का कौन सा है, प्रबंध चिंतामणि करके हैं, ठीक है, प्रबंध कोश के राजशेखर ही हैं। ठुमरी सिंगर गिरजा देवी किस घराने से बिलोंग करती हैं, बनारस घराने से, ठीक, ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें सभा और समिति जो है दो डॉटर्स कही गई हैं प्रजापति की, किस वेद में, तो ये आपका अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में नहीं, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया। और उसके बाद आपको पशुबाड़ा कहां पर देखने को मिलता है, पशुबाड़ा का साक्ष्य मिलता है नवपाषाण काल में महागड़ा में, ठीक, महागड़ा में। फिर उसके बाद सर्कुलर आजादी किसका था, सर्कुलर आजादी मैगजीन थी आपकी रामनाथपुरी की, ठीक है, रामनाथपुरी की। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके ऋण में हुई थी, तो सबसे पहले अजात शत्रु, फिर काला शोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, तो ये ऑर्डर याद रखना है आपको। ये दो क्वेश्चन आए बौद्ध संगति से, दूसरा भी दिखाएंगे, मतलब तो बहुत जरूरी है था आपको ये पढ़ना। अल्बर्ट विल विवाद जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर 1। फिर नासिक इंस्क्रिप्शन में इनमें से किस सत्वाहन शासक ने खुद को एका ब्राह्मण कहा है, एका ब्राह्मण कहा है गौतमीपुत्र शतकर्णी ने, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हूणों की विजय स्कंदगुप्त ने जो की थी, हूणों पर विजय प्राप्त की थी, वो कहां पर मेंशन है, वो भीतरी इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, भीतरी अभिलेख में। फिर उसके बाद है कि अशोक के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, ठीक, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद कोरोनेशन के बारे में किसमें दिया हुआ है, तो कोरोनेशन के बारे में बहुत ढूंढना पड़ा क्वेश्चन और लगभग काफी लोगों ने इसको गलत बता दिया, ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया हुआ है कोरोनेशन, शतपथ में भी दिया हुआ है लेकिन पर्टिकुलर जो ओथ ली जाती है कोरोनेशन की वो ली गई है, मतलब लिखी गई है ऐत्रेय ब्राह्मण में, तो ऐत्रेय ब्राह्मण यहाँ पे सही है, थर्ड वाला। फिर उसके बाद है कि पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 6 घंटे हो जाते हैं, ठीक है, 5 घंटे 59 मिनट कुछ सेकंड होते हैं रफली, हमको ये फोर्थ वाला लगाना था, जिन लोगों ने 365 लगाया उनका गलत है। प्रधान मध्यान रेखा ग्रीनविक लंडन से गुजरती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स दिखाने के लिए हम कन्वेंशनल सिंबल का यूज़ करते हैं कार्टोग्राफी में, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जरूर आप देखिए स्टेट पीसेस या फिर आरओ के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये काफी रिपीट हो सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनाए गए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा ऋतु में, मतलब वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ऑप्शन नंबर 1।
नेपानगर में जो पेपर बनाया जाता है, नेपानगर सबसे पहली बात कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक। तो यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए कागज बनाया जाता है, न्यूज़पेपर के लिए या फिर न्यूज़ प्रिंट मीडिया के लिए, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद है कि अल्पाइन माउंटेन जो है टर्सरी पीरियड में जो नहीं बना, तो इसका आंसर आपको वैसे तो लग रहा होगा कि क्या हमें पता होना चाहिए टर्सरी पीरियड में कितने माउंटेन बने, नहीं, लेकिन अगर आपको पता है कि अरावली ओल्डेस्ट है तो अल्पाइन में कहाँ से आ जाएगा, तो बहुत पहले का है, बहुत बहुत पहले का है टर्सरी से, ठीक। तो आपका हो जाएगा ये अरावली ऑफ एशिया, बहुत पुराना है। फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान से सीमा कौन से जो है राज्य साझा करते हैं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ठीक। उसके बाद कौन सा जो मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, तो आपका ग्रेनाइट जो इग्नियस है तो मेटामॉर्फिक हो ही नहीं सकता, हिमालय के नीचे ही मिल रहा है कि कहाँ से हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। डायरेक्शन ऑफ डोल्ड्रम्स, इसने भाई बड़ा परेशान किया है और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मतलब ये नहीं कर सकते थे आप अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल या फिर बहुत डीप नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे डोल्ड्रम्स जो है ये तो आपका काम एरिया होता है, यहाँ पर विंड बहुत कम ही होती है, लेकिन इनका डायरेक्शन जो है इक्वेटोरियल वेस्टर्ली की तरफ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, थोड़ा टफ था ये। उसके बाद किस तरह के बादल तीव्र मूसलाधार सर्वाधिक वर्षा करते हैं, तो क्यूमुलोनिंबस क्लाउड में सर्वाधिक तीव्र वर्षा होती है, हैवी डाउनपोर रेनफॉल। उसके बाद रॉसबी वेव्स जो है ये सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और रॉसबी लहर जेट स्ट्रीम की द्वितीय अवस्था में देखने को मिलेगी। फिर आपकी हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स की कौन है, वैसे तो जिंदाकड़ा है लेकिन दिया ही नहीं हुआ इसमें, वेस्ट बंगाल पीसीएस ने जिंदाकड़ा माना था लेकिन इसमें जिंदाकड़ा है नहीं, तो हम मानेंगे आपका महेंद्रगिरी, ठीक। उसके बाद डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ मानसून किसने प्रपोज किया था, फ्लॉन ने, फ्लॉन। उसके बाद मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स कौन से हैं, ये आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है ये मोस्ट प्रोन है आपकी अर्थक्वेक्स के लिए। उसके बाद आपका ग्रहाणु परिकल्पना किसकी है, ग्रहाणु परिकल्पना जो है ये आपकी चैम्बरलिन की है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 22 होते हैं। फिर आपका पब्लिक एस्टिमेट्स कमेटी में सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं, बताइए कितने होते हैं आप कमेंट करके, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन विच एवरी पर्सन पार्टिसिपेट इक्वली, ये नहीं मिल रहा था, ये हमारे मटेरियल से नहीं है, ये डाइसी ने इसको कहा था और ये मतलब काफी डीप, अगर आप सर्च करेंगे पॉलिटिकल साइंस की कुछ पीडीएफ निकालेंगे किसी यूनिवर्सिटी की, उसमें दिया है, ठीक। उसके बाद नॉट वेस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन सा वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो सारे शब्द यूज किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, लेकिन फेडरल नहीं यूज किया है। उसके बाद इंपीचमेंट किसमें दिया, इंपीचमेंट दिया 56 में 61 में, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। ये तो सीधा साधा पॉलिटी का लिस्टिंग बेस्ड क्वेश्चन था। जीरो आर जो है कहाँ का कॉन्सेप्ट है, जीरो आर भारत की संकल्पना है, ठीक है, ये हमने किसी से लिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि प्रीएम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, तो बेरुबारी केस में ऑब्जर्व किया गया था कि जो है उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी रही होगी। देन इसके बाद आपका राइट टू एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स के लिए पूछा गया है, तो इसका आंसर नो डाउट हो जाएगा आपका 86th अमेंडमेंट 2002 में जो आया था। भारतीय ध्वज संहिता कब से लागू हुई है, 26 जनवरी 2002 से, ठीक है, 26 जन 2002। जनगणमन का हिंदी वर्जन कब अडॉप्ट किया गया था, यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है एक्चुअली, 24 जनवरी 1950। इंटर स्टेट काउंसिल का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी, तो सीएसओ है, ये कई बार आया हुआ है। परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, देखिए वैसे तो 86 मानेंगे अगर इंडिया के हिसाब से, लेकिन एफएओ के डेटा लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 82% है, तो 82% इसमें हम मान रहे हैं, ठीक है, यही माना जाएगा आपके एग्जाम में, अगर 86 होता तो उसको मान लेते। स्टैग फ्लेशन में क्या होता है, स्टैग फ्लेशन में होता है सिचुएशन वन इकोनॉमी फेसिस हाई इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई भी होती है, मुद्रास्फीति होती है, बेरोजगारी भी उच्च दर पे होती है। ट्विन डेफिसिट का क्या मतलब होता है, ट्विन डेफिसिट मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट एक साथ, इसको ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि लेजिस फेयर का मतलब क्या होता है, लेजिस फेयर का मतलब होता है स्टेट्स डू नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी, राज्य यानी कि देश अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप ना कर रहा हो, ठीक, या कम हस्तक्षेप कर रहा हो। उसके बाद कौन सा जो है WTO से एसोसिएटेड नहीं है, तो अगर आपको पता है कि IDA जब वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड है तो WTO से कैसे एसोसिएट हो सकती है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये कई बार जो है बताया जाता है कि नरसिंघम कमेटी जो है 2 बार आई थी, 1 और 2, दोनों ही बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर 4। आर्थिक सर्वेक्षण कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन सा डिपार्टमेंट करता है, ये भी हमने बताया था, आप कमेंट करके हमको बताइए। फिस्कल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है मॉरिस डी मॉरिस का है, ये भी UPBEB 2019 का कॉपी कैट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, कि 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हुई है कि कितना जो है टैक्स राज्यों के पूल में जाएगा, तो ये 42% शुरू में था लेकिन फिर इसको 41 कर दिया फाइनली आपके 15th फाइनेंस कमीशन ने, जिसको हेड कौन कर रहे हैं, ठीक, बहुत जरूरी है सवाल है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले उसका गुजरात का अभियान था, फिर उसके बाद उसने अभियान किया था रणथंभौर का, फिर चित्तौड़ का और फिर तेलंगाना का, बाकी किसी ने जो भी बताया हो एकदम ये करेक्ट ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपका गुजरात का अभियान, फिर रणथंभौर का, फिर चित्तौड़ का, फिर तेलंगाना या फिर साउदर्न स्टेट्स का। ये थोड़ा इजी गो था, अगर आपको पता है कि जो है आप जानते हैं ग्रह सूत्र में जो विवाह बताए गए, तो ग्रह सूत्र को आप मिला देंगे, कुल मिलाकर जो है ग्रह सूत्र को आप बी को 3 से मिला देंगे और सारा आपका बाकी का एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
3, ठीक, यानी कि रूल्स रिलेटिंग टू सैक्रीफाइसेस जो है श्रौत सूत्र में है, ग्रह सूत्र में डोमेस्टिक राइट्स हैं। और देखिए यहाँ पे भी गलती कर दी आयोग ने, यहाँ पर राइट्स होना चाहिए, RITES होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक, खैर कोई बात नहीं, आयोग तो हमसे ज़्यादा ही जानता है। फिर उसके बाद ये आपका सुलभ सूत्र किससे एसोसिएटेड है, मेजरिंग ऑफ फायर अल्टार, यानी यज्ञ वेदी के मापन से। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंडिका जो है मेगास्थनीज की है, राज तरंगिनी कल्लण की है, ये बहुत ऑब्वियस बुक्स हैं, ये तो सभी को पता होंगी, जो ज़्यादा नहीं पढ़ता इसलिए तब भी आपको पता होगी। ये मैंने आपको बताया कि बुद्धिस्ट काउंसिल पूरी क्रम से याद होनी चाहिए थी, सबसे पहली राजगृह में हुई, फिर वैशाली में हुई, फिर आपकी पाटलिपुत्र में हुई, फिर कुंडग्राम में हुई कनिष्क के समय, तो 2 इसका सही है। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल किसके बीच हुआ था, तो अगर आपको पता है त्रिपक्षीय स्ट्रगल में कौन कौन शामिल थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ए बी सी। ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या होता था, व्हाट वाज निष्क, निष्क आपको पता है सिक्कों को कहते थे, तो हर जगह लिखा है, लेकिन गले का मतलब गले में नेकलेस टाइप का पहना जाता था, उसी को बाद में सिक्का कहने लगे ऋग्वैदिक पीरियड में, तो ये थ्रोट में पहना जाता था, आप चेक कर लीजिएगा, यही सही है, और ये हमने दिया है अपने पीडीएफ में। ठीक, ये भी जो है बहुत टफ नहीं था, अगर आपको पता है कि मीजोलिथिक पीरियड में जब हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर चुके हैं, आपको प्रमाण भी मिल चुके हैं बागौर वगैरह से, ठीक, तो ये क्यों होगा, फर्स्ट ये इनकरेक्ट है, सेकंड वाला सही, माइक्रोलिथ यूज होता था, तो सेकंड ओनली यहाँ पे करेक्ट है। औरंगजेब की पोजीशन बताइए, जब उसके फादर शाहजहां थे, तो डक्कन का गवर्नर था, सिंपल। थेरी गाथा के बारे में जनरली जो है नहीं दिया ज़्यादा किताबों में, इतना डीप में तो नहीं दिया, थेरी गाथा में 73 सॉन्ग्स, 522 पोएम्स सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट। इसमें कुल मिलाकर जो भिक्खुणी होती हैं उनकी स्ट्रगल्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जौनपुर सिटी का फाउंडर कौन है, फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर है ये सिटी, लेकिन फाउंडर फिरोज शाह तुगलक ही है।